श्री राम मंदिर को के निर्माण को, श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण को ये कहकर के टाल देना कि ये सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताओं में नहीं आता है, 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताओं में नहीं है, ये कह करके इसकी इसका जो पुनर्निर्माण होना है श्री राम मंदिर का, उसको और डिले करना और विलंब की तरफ ले जाना हिंदू समाज को स्वीकार्य नहीं है। और इस विषय पर 3 और 4 नवंबर को नई दिल्ली में अखिल भारतीय संत उच्चाधिकार समिति के द्वारा भारतवर्ष की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक धर्म सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत जम्मू में कल 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे से परेड चौक में एक धर्म सभा आयोजित की जा रही है। स्वामी हंस देवाचार्य जी जो अखिल भारतीय संत समाज के संरक्षक हैं, इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहेंगे और श्री राजेंद्र सिंह पंकज जी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री वो इसमें ऑनरेबल स्पीकर के तौर पर वो भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश के सभी महामंडलेश्वर और सभी ख्याति प्राप्त संत इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। इस आशय का जम्मू में 16 दिसंबर को ये हो, इस आशय का निर्णय कुछ दिन पहले बाबा कैलक देव आश्रम में जम्मू कश्मीर संत उच्चाधिकार समिति की बैठक में लिया गया था, जिसके कार्यान्वयन का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर इकाई को सौंपा गया और विश्व हिंदू परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई एक पहला हिंदू सम्मेलन भद्रवाह में 9 दिसंबर को करवा चुकी है और दूसरा ये विशाल हिंदू सम्मेलन कहें और या इसको धर्म सभा कहें, ये कल परेड में आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा जो है, मुख्य मकसद जो है, राम मंदिर निर्माण अतिशीघ्र कैसे हो और जो आज की परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक बनी हैं, उन परिस्थितियों को लेकर के संत समाज की क्या भावना है और हिंदू समाज के लिए उनका आगे क्या आदेश है, इस विषय को लेकर के ये सम्मेलन है। और जम्मू प्रांत के, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो जिले हैं, उन सभी जिलों से लोग यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं और बहुत उत्साह वर्धक हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। यहाँ आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से ये रिपीट करना चाहता हूँ कि 110 करोड़ का हिंदू समाज जो है राम मंदिर में के पुनर्निर्माण में जो विलंब हो रहा है उससे बहुत आहत है और सरकार से कैटेगोरिक रूप से ये आग्रह कर रहा है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती तथा केंद्र सरकार इस विषय के ऊपर अध्यादेश या कानून ला करके मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू करें। माध्यम से मैं जम्मू की जनता को यह आह्वान करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस धर्म सम्मेलन में उपस्थित होकर के संतों के विचार को सुने और आगे का मार्गदर्शन प्राप्त